तो ये रहा गाइस, वहाँ पे एंट्री स्लिप आपको काटना होता है एंड 25 रुपीज़ ये लोग यहाँ पे चार्ज करते हैं। आई थिंक लोकल्स का है। जुले यहाँ गंदगी करता, अब माला भी बेचता गंदगी की, सफाई का भी ध्यान रखो। उस वाले टाइम के डोर्स एंड विंडोज़ आप चेक कर सकते हैं एंड अभी हमने ऊपर तक जाना है। यहाँ से और एक बार चेक कीजिए, अभी थोड़ा वाइड एंगल में आपको शो करने की कोशिश। चलिए अब चलते हैं, यहाँ से एग्जिट लेंगे हम 68 लेवल, ये वाले रास्ते से होके जाना है। बट उससे पहले हम ऑडियो विजुअल हॉल को एक बार विजिट करेंगे, चेक कर लो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यू आर एट लेवल 8। तो 8 लेवल से वेव जो है आपको दिखाऊंगा मैं। याद नहीं है, लेकिन यहाँ से लेकर एक ओवरऑल व्यू चेक कर लो एंड इट इज लेवल 8। हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग गाइस। तो फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत एंड इस बार हम आपको लेके चलते हैं लेह पैलेस में। एंड एज यू पीपल ऑलरेडी नो दैट आई एम इन ले और एक कपल ऑफ डेज, तो जब तक यहाँ है तब तक थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे। सो चलिए चलते हैं लेह पैलेस, दिखाते हैं आपको एंड खुद भी देखेंगे। सो लेट्स गो। अली को मैंने फ़ोन किया था साथ चलने के लिए बट भाई थोड़ा बिजी था, सो आई कैन फिगर इट आउट, समझ सकता हूँ। तो मैं अकेला जो है निकल गया इस जर्नी पे। आप बने रहिए वीडियो में एंड अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक शेयर कमेंट भी बनता है गाइस, सो दबा के करना। यहाँ पे जो है एक क्लीनलीनेस ड्राइव चल रहा है गाइस एंड यू कैन सी हियर। और इसी के साथ जो है हम काफ़ी क्लोज पहुँच चुके हैं पैलेस के। झूले यहाँ गंदगी करता, अब माला भी बेचता गंदगी की, सफाई का भी ध्यान रखो ना। एंड यहाँ से स्टार्ट होता है गाइस लेह पैलेस का इंटीरियर। हिस्ट्री ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया, यहाँ पे नेसेसरी टूरिस्ट फैसिलिटीज अवेलेबल एट डेजेस। सो चलो चलते हैं। सो ये चेक कीजिए गाइस लेह पैलेस गैलरी। सो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम है नहीं, तो जल्दी से जो है ये आपको एक बार अच्छे से दिखा के जो है हम निकलते हैं यहाँ से। सो यहाँ के लेह पैलेस के आर्किटेक्चर के बारे में भी यहाँ पे अच्छा खासा इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। एंड ये चेक कीजिए गाइस, साइट प्लान ऑफ लेह पैलेस एंड एडजॉइनिंग हिस्ट्री लद्दाख। सो लेह पैलेस का हिस्ट्री जो है यहाँ पे, आप लोग ब्लॉग के साथ थोड़ा बनी रहिए, हम इसको थोड़ा जो है रीड करने की कोशिश करेंगे। सो लेह पैलेस को जो है 17th सेंचुरी में किंग सिंगे नमग्याल, जो कि जमयांग नमग्याल के बेटे थे, उन्होंने जो है इसको बिल्ड किया था गाइस। बाकी आप यहाँ पे हिस्ट्री इसका अच्छे से पढ़ सकते हो। सो यहाँ से भी एक बार मैं आपको ओवरऑल व्यू दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंडिकेशंस दिए गए हैं, सो खतुक सिनमो रॉयल श्रीन एंड फोटो एग्जीबिशन। सो यहाँ से एक बार व्यू चेक करते हैं गाइस
ठीक है। बाकी साइड में ये उस वाले टाइम के डोर्स एंड विंडोज़ आप चेक कर सकते हैं। एंड अभी हमने ऊपर तक जाना है, फिलहाल यहाँ से एक बार ओवरऑल लेक का एक व्यू हम चेक करेंगे। सो ये देख सकते हो एकदम वाव वाला व्यू है। एंड ये सारे जगहों को छोड़ के जो है आपको इस वाले लोकेशन पे थोड़ा बहुत ग्रीनरी जो है देखने को मिल जाएंगे। ओके, बाकी व्यू चेक कर लो एंड एंजॉय करना इसको। सो चलो अब चलते हैं यहाँ से। यहाँ पे बैठने के लिए एक बढ़िया सा बेंच जो है तैयार किया हुआ है। प्लीज़ माइंड योर हेड। बहुत सारे लोगों ने जो है अपना सिर यहाँ पे पट के होंगे एंड यहाँ पे उसके बाद यहाँ नहीं जा सकते आई थिंक। ओके, बैरिकेड की तरह एक बेंच रखा गया है। सो एग्जिट यहाँ से जहाँ से हम आए थे। एंड ओल्ड स्ट्रीन यहाँ पे है, वॉशरूम। तो हम जाएंगे इस साइड से, इसके बाद यू आर एट लेवल 5th। हम 5th लेवल पे पहुंच गए हैं, आई डोंट नो कैसे। मैं सोच रहा था फर्स्ट स्टोरी पे है, बट 5th लेवल पे पहुंच चुके हैं। एंड यहाँ से कहीं जाने का रास्ता तो नहीं है, बट ये देखिए यहाँ से एक बार व्यू चेक कीजिए। यहाँ से पता नहीं कुछ जगह तो है लेकिन नहीं पता कहाँ पहुँचते। तो जल्दी से वापस जाते हैं एंड वहाँ जाके जो है थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे एंड उसके बाद हम ये वाले डायरेक्शन में जाएंगे गाइस। एंड ये वाला जगह देखिए कितना पतला सा है। ओके, सो इसके बाद हम पहुँचते हैं कुछ ऐसे जगह पे। और आई डोंट नो कि ये वाला जो फ्लोरिंग यहाँ पे किया हुआ है ये कब का है, न्यूली किया है या फिर पहले का है, वो मेरे को नहीं पता है। बाकी अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ से और एक बार चेक कीजिए व्यू, थोड़ा वाइड एंगल में आपको शो करने की कोशिश करूँगा। सो बहुत ही बढ़िया सा ये लग रहा है। ओके, अभी इससे पहले हम जस्ट वहाँ पे थे, ठीक है, जब मैं आपको ओवरऑल लेक का व्यू दिखा रहा था तो वहाँ से दिखा रहा था। सो चलते हैं यहाँ से भी। एंड डोर देखिए यहाँ पे लेकिन नहीं लिखा है कि माइंड योर हेड। ओके, हाँ इस वाले पे ज़रूर लिखा है। सो यहाँ एंटर होने से पहले आपको ये वाले जो है दिखाऊंगा, ये चेक कर लो। लता गैलरी, माइंड योर हेड। अब चलते हैं यहाँ पे। एंड ये वाला हॉल देखिए गाइस, वॉल्स पे जो है आपको कुछ इस तरह के डिज़ाइंस दिख जाएगा। ओके, सो ऊपर से कुछ इस तरह का देता है। एंड एक एक को एक्सप्लेन करने के लिए हम अपने पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो आप देखते जाना, जिसको इंटरेस्ट हो वो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये डिज़ाइंस चेक कीजिए, ठीक है। Conservation problems from scientific conservation point have been studied in depth. तो ये सब जो है आप लोग पढ़ लेना किसी को इंटरेस्ट हो। सो जल्दी से निकलने की हम ट्राई करते हैं क्योंकि अपने को वापस जो है करगिल जाना है गाइस। सो एंशिएंट पैलेस शे, इसका हिस्ट्री भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। So now let's go to the next level, history of Leh mini circle. तो इसका भी history यहाँ पे mention किया हुआ है। So चलिए अब चलते हैं यहाँ से, exit लेंगे हम and mind your head। यहाँ से भी एक जगह था बट अभी नहीं है, ये जगह अभी बंद है और आप देख सकते हो यहाँ से भी कहीं पहुँचता होगा। वापस चलते हैं। अब चलते हैं यहाँ से ऊपर।
यू आर एट लेवल 6 to 8 लेवल, ये वाले रास्ते से होके जाना है। बट उससे पहले हम ऑडियो विजुअल हॉल को एक बार विजिट करेंगे। चेक कर लो, ये चेक कर लो, ठीक है। सो ये रहा ऑडियो विजुअल हॉल। सो अब निकलते हैं यहाँ से भी। हाँ, कहाँ से जाएंगे? ये वाली साइड से, यहाँ से ना 6 to 8 जी। ओके स्विच, सो हम जो है वो वाले हॉल को विजिट करना भूल गए गाइस। कोई नहीं, वापसी पे वो भी आपको शो करूँगा। सो फिलहाल चलते हैं लेवल 6 to 8 की तरफ एंड लेट्स गो। ये देखिए यहाँ से छोटा सा बढ़िया सा एक विंडो है, ठीक है, एक बालकनी टाइप का, यहाँ से व्यू चेक कर लो, ठीक है। प्लीज माइंड योर हेड। ओह ये चेक कर लीजिए। ओके, हम लेवल जो है क्रॉस करते ही जा रहे हैं एंड आई होप कि ये वाले व्यू जो है आप लोग को बहुत पसंद आ रहा होगा। यहाँ से एक बार व्यू चेक कीजिए नीचे का, ठीक है, क्योंकि हम लेवल क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। सो ले का एक ओवरऑल व्यू, ये 6 लेवल है शायद, तो यहाँ से ओके। पता नहीं अभी हमने क्या क्या मिस किया है। सो वो तो नीचे वाला है। You are at level 7. ये क्या है? I don't know ये क्या है। हाँ, यहाँ से आप वो वाले जगह का आप वेव ले सकते हो जहाँ से हम आए थे, ठीक है। सो वो देखो, चलते ही वापस यहाँ से और एक लेवल क्रॉस करेंगे। तो ये देखो, अब हम काफ़ी हाइट पे जो है पहुंच चुके हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यू आर एट लेवल 8। तो 8 लेवल से वेव जो है आपको दिखाऊंगा मैं बढ़िया सा। ये वाली साइड का हमने कभी नहीं लिया था अभी तक एंड पैलेस का ये बैक वाला साइड चेक कीजिए। शायद ये इस साइड से शायद थोड़ा बहुत जो है डैमेज आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ से भी व्यू चेक कर लो, जूम आउट करता हूँ मैं, मुझे वाटिको प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई ज़्यादा आगे मैं जा नहीं पा रहा हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ से भी कितना दूर लगता है जापानी स्टूपर, ठीक है, तो वहाँ जाने के लिए तो अपना बहुत सारा टाइम लगेगा। सो वो वाली जगह को हम कैंसिल कर देते हैं, ओके। बाकी यहाँ से एक बार मैं अच्छे से आपको व्यू चेक कराता हूँ। इससे ऊपर नहीं है शायद कुछ भी, लेकिन सामने का व्यू देखो कितना बेहतरीन है। एंड ये आप व्यू देख रहे हो गाइस लेवल 8 से, तो चेक कर लो मैन। और हम कहाँ से आए थे, नीचे देखो, शायद वहाँ से या उसके नीचे से, याद नहीं है, लेकिन यहाँ से लेकर एक ओवरऑल व्यू चेक कर लो एंड इट इज़ लेवल 8। सो ये साइड का भी हम थोड़ा जाते जाते दिखाते हुए जाएंगे। यहाँ पे तो हम पहुँचे ही नहीं, ओके। शायद यहाँ का जो है वहाँ पे एंट्री जो है बंद है। सो ओके व्यूज, ओके, देख लो गाइस कितने हाइट पे है हम एंड
अभी है लेह पैलेस एंड इज द लेवल 8। सो देखो बैकग्राउंड और साइड से जो है आपको बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा, राइट? या चलो भाई लोग, लेवल 8 से हम अपना रूम जो है ढूंढने की कोशिश करेंगे जो कि इस कंपनी में है। ओके, सो लेट मी जस्ट जूम द कैमरा सो दैट वी कैन फाइंड द लोकेशन इजीली। सो कुछ ग्रीन कलर का शीट लगा हुआ है गाइस, दिख रहा है आपको कहीं पे? हाँ हाँ दिख गया दिख गया दिख गया, वो देख लो वो देख लो वो देख लो वो देखो गाइस, सबसे टॉप पे एक वाइट कलर का हाउस है, उसके ठीक नीचे आप देख लो वहीं पे अपना रूम है। ओके, अब मैं जूम आउट करता हूँ और देख लेना कितना डिस्टेंस है। ओके, या ये चेक कर सकते हो आप, ठीक है? सो चलिए अब यहाँ से वापसी शुरू करते हैं। यार शांति स्तूपा एक बार विज़िट करना था क्योंकि हमें अभी वापस घर जाना है, वे टू कारगिल, दैट्स वाई इतना टाइम नहीं है हमारे पास। सो उसको फिर कभी विज़िट कर लेंगे। यू आर एट वो देखो लेवल 9th। ओके, 9th लेवल का एंट्री जो है बिल्कुल बंद है, आप देख सकते हो यहाँ पे कोई नहीं चढ़ने जाता। सो चलते हैं यहाँ से भी वापस। सो यहाँ से नीचे का एक बार चेक कर लो गाइस, यहाँ से मैं आपको लेह मेन मार्केट दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? ये जो है जामा मस्जिद का थोड़ा सा ओके बैक वाला हिस्सा जो है यहाँ से दिख रहा है। सो इसी के नीचे जो है लेह मेन मार्केट है। Exit. So this way we have to go. चलते हैं यहाँ से। यहाँ पे हमने कुछ मिस किया था आई थिंक। यहाँ से रहा वॉशरूम जाने का रास्ता जहाँ से हम अभी होके आए, एंड इसके बाद जो है वाला एग्जिट है, ठीक है? यहाँ से भी एक जगह है गाइस, आई डोंट नो कहाँ को जाता है। सो ये देख लो, ठीक है? यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है। सो इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का रहता है। सो यहाँ से निकलते हैं, मैं चाहता था कि हर एक चीज़ जो है देख के जाऊँ यहाँ पे जो भी है। सो यहाँ से जो है अब हम एग्जिट करने जा रहे हैं। सो ये था गाइस लेह पैलेस। तो आई होप कि ये वाला जो है ब्लॉग आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। अपने हिसाब से जो है मैंने बढ़िया से इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। एक्सप्लोर तो हो गया, अब वापस जाना है। सो वो देखो पीछे लेह पैलेस यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है, अंदर से कैसा दिख रहा था वो मैंने आपको दिखा के आया। सो अब हमें यहाँ से रूम तक जो है बिल्कुल चल के जाना है। ओके, कोई नहीं, आराम से जाएंगे, जैसे आए थे वैसे जाएंगे। हाँ एक चीज़ जो है थोड़ा बहुत हमें प्रॉब्लम करेगा वो ये है कि वो जो चढ़ाई था वहाँ पे, ओके, वो जो है हमें काफ़ी प्रॉब्लम करेगा क्योंकि अभी धूप भी आप देख सकते हो बहुत तगड़ा वाला धूप है।
सो ये रहा गाइस, वहाँ पे एंट्री स्लिप आपको काटना होता है एंड 25 रुपीस ये लोग यहाँ पे चार्ज करते हैं। आई थिंक लोकल्स का है, ओके बाकी टूरिस्ट लोग का मेरे को पता नहीं कितना ये लोग लेते हैं, बट लोकल्स जो भी हो 25 रुपीस चार्ज करते हैं। सो पैसा लेके आना, ठीक है। तो इस तरह करता रहूँगा, मेरे को रूम पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा गाइस। सो ऐसे में जल्दी से जो है हम व्लॉग को एंड करेंगे एंड आई होप कि ये व्लॉग जो है आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। ऐसे में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर बनता है, सो दबा के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आगे और एक नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत एंड बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, एंड टेक केयर।